वीर्य पतन कैसे होता है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। सेक्स साइकिल जो है उसके मेनली 4 स्टेजेस होते हैं। एक एक्साइटमेंट, दूसरा है प्लेट्यू, तीसरा है ऑर्गेजम, चौथा है रिजोल्यूशन। तो एक्साइटमेंट के पहले सेक्सुअल डिजायर भी पैदा होनी चाहिए, तो वो एक है सेक्सुअल डिजायर। अब जो ऑर्गेजम है वो अति परमोच्च सुख की अवस्था है, परम सुख की अवस्था है। क्लाइमैक्स या ऑर्गेजम बोलते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सुख आता है, और वो हुआ नहीं, ऑर्गेजम हुआ ही नहीं या क्लाइमैक्स हुआ ही नहीं, तो दोनों को भी अधूरा लगता है कि अरे यार मजा नहीं आया सेक्स में। पुरुष को भी और स्त्री को भी तो होना जरूरी है। और ऑर्गेजम के पहले फोरप्ले होता है, और उस समय जो भी एक्साइटमेंट आता है फोरप्ले में, फिर प्लेट्यू आता है, तो वो भी स्टेजेस से जाना जरूरी है। यदि वो फटाफट स्टेजेस निकल गई और जल्दी ऑर्गेजम आ गए, जल्दी इजैकुलेशन हो गया, तो फिर प्रॉब्लम आता है। इजैकुलेशन कैसे होता है? एक्साइटमेंट हो गया, फिर प्लेट्यू की अवस्था आ गई, अभी ऑर्गेजम है, तो ऑर्गेजम के समय इजैकुलेशन होता है, मतलब पतन हो जाता है। पतन के समय टेस्टिस जो है, अंडाशय, दोनों दो अंडाशय है, वहां से वास डिफरेंस करके दो नलियां निकलती है, और वास डिफरेंस करके जो दो नलियां है वो दोनों नलियों से शुक्राणु और वीर्य का वहन किया जाता है, वो ट्रैवल करते हैं, और दो नलियों से ट्रैवल करते 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 वो आते हैं सेमिनल वेसिकल्स तक। वहां दो छोटी छोटी दो और थैलियां हैं, उसमें और उसका स्त्राव ऐड हो जाता है। जो शुक्राणु और वीर्य आया उसको और सेमिनल वेसिकल का स्त्राव ऐड होता है। रास्ते में काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्रंथियां, उसका स्त्राव ऐड हो जाता है, और ये पूरा मटेरियल, मतलब 1.5 से लेके 5 ml तक, ये पूरा मटेरियल ट्रैवल होके पेनिस के बेस तक आता है। ये कुछ सेकंड में होता है, बोलने के लिए बहुत टाइम लगा। इसको बोलते हैं फेज वन। और फेज वन में क्या होता है कि टेस्टिस से लेके लिंग के बेस तक का पूरा सफर करके उसमें जो जो चाहिए वो ऐड करते करते धातु वहां लेके आना, पेनिस के बेस तक, जड़ तक। फेज टू में क्या होता है कि पेनिस के जड़ में जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होके फिर झटके से वीर्य बाहर निकलता है। तो 0.8 सेकंड के अंतर से, 0.8 सेकंड के अंतर से ऐसे झटके लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मसल्स, और वीर्य बाहर निकलता है, और वो है ऑर्गेजम की प्रक्रिया। ये हुई नहीं तो आदमी को अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता सेक्स में। अब ये क्यों नहीं होता है? ये ऐसा हो सकता है कि एक तो वीर्य निकला ही नहीं बाहर, उसको बोलते हैं अनइजैकुलेशन। दूसरा है कि रिटार्डेड इजैकुलेशन, मतलब बहुत समय लगा और बहुत समय के बाद में, थक जाने के बाद में, फिर बाद में वीर्य बाहर आ रहा है, रिटार्डेड इजैकुलेशन। तीसरा है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, मतलब वीर्य बाहर निकलने का एहसास तो होता है, ऑर्गेजम आता है, मजा आता है, मगर वीर्य निकलता नहीं, वो जाता है पेशाब के थैले में, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और चौथा इसमें प्रकार है अर्ली इजैकुलेशन, जिसके लोग हमारे पास में आते रहते हैं, बहुत जल्दी शीघ्र पतन हो जाना, क्योंकि टोटल जो सेक्स का टाइम है वो टाइम एवरेज में 5 मिनट 40 सेकंड है, और इससे पहले यदि वो पतन हो जाता है तो लोग हमारे पास में आते हैं, बोलते कि सेक्स में मजा नहीं आ रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है, वाइफ को भी मजा नहीं आ रहा है, खुद को मजा नहीं आ रहा है। तो ये इजैकुलेशन की प्रक्रिया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, मतलब फेज वन टेस्टिस से, मतलब अंडाशय से वीर्य निकल के बाहर आना और लिंग के जड़ तक जाना, और वहां से झटके से बाहर निकलना, फेज वन और फेज टू बराबर इसका तालमेल जम गया तो ऑर्गेजम बहुत अच्छा होता है, और वो भी जल्दी नहीं होना चाहिए, 5 मिनट 40 सेकंड के बाद में एवरेज होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। ये हो गया ऑर्गेजम, और ऑर्गेजम एक बार होने के बाद में फिर होता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब लिंग जो कठोर होता है उसका ढीला हो जाता है, जो ब्लड लिंग में आता है वो पूरा वापस जाता है बॉडी में, लूज पड़ जाता है, और फिर सब शांत हो जाता है। तो ये है इजैकुलेशन फेज वन एंड फेज टू। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म के भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से,
तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।